है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को मेरे साथ शॉपिंग के लेना लेके जाना चाहती हूँ। तो चलिए मेरे साथ, देखते रहिए मैं क्या शॉपिंग करती हूँ आज। एक्चुअली सडन प्लान बना था जाने के लिए, तो फटाक से हम लोग नहा के रेडी होके निकल के आके बस प्लेटफॉर्म पे पहुँचा ही था। तो देखिए, मैंने कैमरा जैसे ऑन किया, ट्रेन ऑलरेडी एंट्री कर चुका था, ऑलरेडी कहा था। तो अभी बस यहाँ से मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिला था मैं घर से शूट करने के लिए, कि फटाक से मुझे रेडी होना पड़ा और रेडी होके सीधा स्टेशन पे आई हूँ और यहाँ से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी चलिए, ट्रेन रुकने के बाद ट्रेन के अंदर चल के उसके बाद मैं जा रही हूँ दिमापुर। तो आज दिमापुर से शॉपिंग करूँगी। तो ऐसे जाने वाली थी गुवाहाटी पर और नहीं तो लामडिंग, तो वो भी प्लान फटाक से चेंज हुआ कि नहीं चलो दिमापुर चलते हैं बोल के। दिमापुर में बहुत ही अच्छा अच्छा कपड़ा मिलता है, पूरा फैशनेबल कपड़ा मिलता है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर भी कुछ बोल रही थी पर इतना साउंड था ट्रेन का तो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, मतलब आवाज़ कम आ रहा था उसमें, तो इसलिए मैंने फिर से वॉइस दिया यहाँ पर। तो चलते रहिए आप लोग भी मेरे साथ, कि यहाँ पर तो मैं कुछ बोलने नहीं सकूँगी। तो कहाँ पर जाती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, कौन सा शॉप से मैं शॉपिंग करती हूँ तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो फिलहाल आप थोड़ा सा व्यू देख लीजिए। लिया देखिए, खाली था पर अभी जैसे लड़की आई है आते ही सो गई। अच्छा ही है, इतना खाली भी अच्छा नहीं लगता है पीछे बैठने के लिए। मेरा सीट एक्चुअली आगे में था तो पीछे का सीट खाली था, तो इसलिए मैंने पीछे में आके बैठ गई थी थोड़ा आप लोग से बात कर लूँ बोलकर। पर मुझे पता ही नहीं था कि वॉइस नहीं आएगा बोल के, इतना साउंड था बाहर हवा का। जल्दबाजी में बस यही सिंपल सा मेकअप मेरा जो डेली रहता है वही करके मैं निकल गई हूँ। तो चलिए यहाँ देखिए, हम अभी दिमापुर पहुँच चुके हैं, तो अभी स्टेशन पर ही है अभी हम लोग। तो हम लोग ये शताब्दी से आए थे, आप लोग ज़रूर बताइएगा कहाँ शाम का है, तो कहाँ कहाँ से आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो आप लोग। तो चलिए अभी चलते हैं। धूप नहीं था उस दिन लेकिन तब भी इतना गर्मी लग रहा था, पता नहीं क्यों। उसके बाद लेकिन अच्छा लगा जब हम लोग टाउन में पहुंच गए थे ऑलरेडी, ये वाला देखिए थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हो गया था अभी। तो पहले हम लोग बिग बाज़ार के अंदर चलते हैं। तो यहाँ देखिए बिग बाज़ार के अंदर एंट्री कर चुके हैं अभी हम लोग और देख रहे थे ऐसे कपड़े उपड़े जो जो मतलब जो मुझे लेना है उस तरह का मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा था। तब भी थोड़ा बहुत ऐसे देख रही थी मुझे कुछ तो पसंद आ जाए बोल के, पर सच बता रही हूँ बिग बाज़ार में मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, मतलब मुझे जो चाहिए वो वाला मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा था। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल कर पेंटलून के लिए निकल गया। अगर पेंटलून में भी नहीं मिलता तो हम लोग सोचे ट्रेन पर चला जाएगा। तो अभी यहाँ से निकल के मैं आपको दिखाती हूँ पेंटलून का भी। तो यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं पेंटलून की तरफ। हाँ, दिमापुर का एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे आप लोग रोड कोर्स क्रॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गाड़ी वहाँ का रुक जाता है थोड़ी देर के लिए ताकि आप पार हो जा सके, तो इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाला। तो अभी बस पहुँचने वाले हैं, थोड़ा दूरी पर ही था। तो ये देखिए अभी पहुंच गए हम लोग पेंटलून्स पर। तो यहाँ से अभी मैं थोड़ा बहुत शॉपिंग करूँगी। देखिए थोड़ा सा ही बारिश गिरा था, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन बारिश गिरने के बाद इतना गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो चलिए अभी चलते हैं, मैं दिखाती रहूँगी क्या क्या खरीदती हूँ मैं।
ये वाला ड्रेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, पर दुर्गा पूजा का टाइम है, मम्मी चिल्लाती रहती है कि ब्लैक मत लो मत लो बोलकर, पर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था ये वाला ड्रेस, पर नहीं ले पाई। तो मैंने ये दोनों में से एक लिया था, तो इसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने एक्चुअली क्या क्या लिया था। तो फिलहाल मैं बस शॉपिंग ही आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी इस ब्लॉग में। तो ये देखिए थोड़ा बहुत हाथ में मेरे अभी जेंट्स का सेक्शन से चलते हैं, इन्हें क्या क्या खरीदने देख लेते हैं। यहाँ देखिए इतना क्यूट क्यूट बेबी का कपड़ा है, मैंने यहाँ पर जाते मुझे यहाँ पर थोड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब कुछ ले लूँ बोलकर, पर नहीं लिया। तो देखिए अभी हम लोग को यहाँ पर पेंटलून का शॉपिंग हो चुका है, तभी यहाँ पर पेमेंट कर रहे थे वो। शॉपिंग करने आने से जाने का मन ही नहीं करता है। तो ये देखिए ये सिर्फ मेरा शॉपिंग है अभी। तो यहाँ देखिए अभी यहाँ से सीधा हम लोग निकल गए थे फैब इंडिया के लिए, मतलब फैब इंडिया शॉप के लिए निकल गए थे। वहाँ पर इतना अच्छा अच्छा कलेक्शन था, मतलब मैंने मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया था तो उसने बताया कि एक बार फैब इंडिया पर जाके देखो, वहाँ पर तुमको अब कलेक्शन बहुत अच्छा अच्छा मिल जाएगा। तो सच बता रही हूँ, एक सब प्रकार का कपड़ा था वहाँ पर, मुझे सभी पसंद आ रहा था। तो मैंने ट्राई भी बहुत सारा किया था, लगभग 6-7 कुर्तीस मैंने ऐसे ट्राई कर लिया था, पर मैंने यहाँ से 3 लिया था। ये वाला भी मैंने ले लिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम सॉफ्ट पूरा प्योर कॉटन में था। तो मैं दिखाती रहूँगी ट्राई करके भी आप लोगों को यहाँ पर, जब मैं ट्राई करूँगी उसके बाद ट्राई करने टाइम में आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत उसे भी दिखाऊँगी। इधर आ सकते हैं, दिमापुर में बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है। तो देखिए यहाँ पर उन्नी का कलेक्शन, आपको कॉटन में, जॉर्जेट में और शिफॉन में सब 4 तरीके का मिल जाएगा, बहुत सुंदर है। आइए मेरे पतिदेव, आप लोगों का आज ही फर्स्ट टाइम दिखाई देगा ब्लॉग में, इसी तरह का ही मजाक करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती रहती हूँ आगे का भी। फिलहाल मैंने ये वाला ड्रेस लिया है, आप लोग जरा कमेंट में बताइए कैसा लगता है। चलिए अभी देखते हैं, पहले तो अभी ये देखिए मैंने ट्राई कर लिया था, थोड़ा सा ढीला है पर मैं इसे फिटिंग कर लूँगी, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था पहनने के बाद, महसूस ही नहीं हो रहा था कि कुछ पहना है, मतलब इतना लाइट वेट था ये वाला कुर्ती। और ये वाला है जो मेन सेट, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये वाला है 3rd नंबर, ये भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मेरून डार्क मेरून में था ये बहुत पूरा, मेरा हालत देखिए पूरा ख़राब हो गया है गर्मी से बेहाल, लेकिन ये थोड़ा सा टाइट हो रहा था मुझे, लेकिन मैंने इससे थोड़ा सा बड़ा वाला साइज ले लिया है, ये वाला था जो मैंने लिया है। तो यहाँ पर हो चुका है मेरा, और अभी यहाँ देखिए कितना अच्छा अच्छा कप का कलेक्शन था, मुझे तो देखकर सभी लेने का मन कर रहा था। यहाँ देखिए कितना क्यूट सा छोटू सा कप है यहाँ पर,
तो बस अभी यहाँ से मैंने ऐसे कुछ भी नहीं लिया, मुझे बस कपड़ा का ही अभी कपड़ा का ही शौक चल रहा था, बस कपड़ा ले लूँ बोलकर। तो यहाँ पर वो भी अपने लिए पेंट देख रहे थे, मतलब यहाँ पर जेंट्स लेडीज सबके लिए इतना अच्छा अच्छा कलेक्शन है, मतलब आपको पसंद आएगा यहाँ पर आने से आपको। तो मैं हम लोग का शॉपिंग मेरा शॉपिंग यहाँ पर हो चुका है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं, निकल कर ट्रेन भी पकड़ना है। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं ये सब का ड्रेस आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्या क्या खरीदा है मैंने। और तो यहाँ देखिए ट्रेन में बैठ चुके हैं हम लोग, कुछ ही देर में डिफू पहुँच जाएंगे हम लोग। तो उसके बाद मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि देखिए अभी पहुँच चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं हम लोग गाड़ी पे बैठ चुके हैं, अभी घर सामने ही है, स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं लगता है। तो बस अभी यहाँ तक ही आज का ब्लॉग, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग पर।